पीपीगंज थाना क्षेत्र में एक महिला को जहर देकर मारने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीपीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती की शादी खजनी इलाके में हुई थी तथा शादी के बाद से ही वह अपने मायके में ही रह रही थी। आरोप है कि शादी से पहले युवती के साथ पड़ोस के ही एक युवक ने रेप किया था और इस मामले में केस दर्ज होने के बाद आरोपित जेल गया था, लेकिन युवती की शादी हो गई। इसी बीच अभियुक्त भी जेल से छूट गया और केस में सुलह कर लिया तथा बाद में उसने पीड़िता से करीबी बढ़ाई और 7 दिसंबर की शाम को विवाहिता को मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया तथा उसके बाद जहर पिलाकर फरार हो गया तथा 8 दिसंबर की सुबह जब उसके पिता को जानकारी हुई तो वह तड़पती हुई बेटी को लेकर पहले थाने पहुंचे, तब पुलिस ने कहा कि पहले इलाज कराओ, जिसके बाद पिता ने उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जहां सोमवार की रात उसकी मौत हो गई। इस संबंध में एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि पीपीगंज थाना क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक ने महिला को जहर देकर मारा है तथा मृतका अस्पताल में भर्ती थी तथा जिसका पोस्टमार्टम भी किया गया है। एसएसपी ने कहा कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर 5 अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें भी बनाई गई हैं। जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, आरोप लगाया गया है कि एक युवक ने एक महिला को जहर देके मारा है। तो युवक मृतका जो है अस्पताल में भर्ती रही थी और उसका पोस्टमार्टम भी हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसरा प्रिजर्व किया गया है। फिलहाल जो वादी है उनकी तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। पूर्व में भी इनका एक मुकदमा था जो कि ऑलरेडी कोर्ट में विचाराधीन है और इसमें जो भी प्रकरण साक्ष्य आगे सामने आएंगे उस पर कार्यवाही की जाएगी। इन्होंने महिला पुरुष समेत 5 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया है, इसमें इसकी जांच की जा रही है।